नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भाई गिरफ्तार, अदालत में किया गया पेश। आखिरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे अदालत में पेश किए जाने की सूचना है। विस्तृत जानकारी का इंतजार है। मालूम हो कि बीते 11 फरवरी को बमीठा के ग्राहक गांव में एक दलित परिवार की बेटी की शादी में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भाई शालिग्राम ने नशे के हालत में जमकर हंगामा किया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसमें वह हाथ में पिस्टल और मुंह में सिगरेट दबाए उत्पात मचाता नजर आया था। छतरपुर पुलिस पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग को गिरफ्तार करने का भारी दबाव था। दलित संगठन शालिग्राम गर्ग को गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। गांव का माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया था। घटना के काफी दिन बाद तक गिरफ्तारी नहीं होने के कारण पुलिस को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था। विवाद के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी अपने भाई से पल्ला झाड़ लिया था। उन्होंने बयान जारी कर कहा था कि हर मामले में उनके नाम को घसीटे जाने की जरूरत नहीं है। एक दिन पहले इस मामले में छतरपुर एसपी सचिन शर्मा ने बयान जारी कर कहा था कि पुलिस मामले में जल्द ही चालान पेश करेगी। अब जब शालिग्राम गर्ग को गिरफ्तार कर लिया गया है, नजरें अदालत के रुख पर जा लगी है। देखना होगा कि अदालत क्या फैसला लेती है, क्या उसे पुलिस हिरासत में भेजा जाता है या न्यायिक हिरासत दी जाती है। अदालत में भारी भीड़ जमा है। पुलिस ने भी सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए हैं। शादी के कार्यक्रम में शालिग्राम गर्ग के पिस्टल लेकर उत्पात मचाने की घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भी किरकिरी हो रही थी। इस मामले में खजुराहो एसडीओपी मनमोहन सिंह बघेल को जांच अधिकारी बनाया गया था। भीम आर्मी ने शालिग्राम गर्ग की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्राहक गांव में धरना प्रदर्शन किया था। दलित संगठनों के भारी आक्रोश को देखते हुए पुलिस भी सक्रिय हो गई थी। पुलिस का कहना था कि यदि शालिग्राम गर्ग हाजिर नहीं होता तो पुलिस कानून के अनुरूप सख्त से सख्त कार्रवाई करने को विवश होगी। आखिरकार अब पुलिस ने आरोपी शालिग्राम गर्ग को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि शालिग्राम गर्ग कहां छिपा था और पुलिस ने उसको कहां से पकड़ा। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।